अट्टू पट्टू नजर बट्टू नारा 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 ना। आज मैं आपको एक सॉन्ग राइटिंग, कॉम्पोजिशन, रिदम डिसीजंस, ओवरऑल म्यूजिक बनाने के क्रिएटिव प्रोसेस की कहानी, एक जर्नी पे ले चलना चाहता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि अंडा पहले आया या मुर्गी, राइट? एक कहानी सुनाता हूँ। नरा नरा नुबानी सुनो हमें प्यार नरारा। अब ये कुछ ट्रेंडिंग सा चल रहा है ना, तो इसको माइंड में रखना आगे के कॉन्टेक्स्ट के लिए। हम सभी कहानीकार हैं। अब म्यूजिक की बात छोड़ें तो डे टू डे लाइफ में अगर बहाने बनाने हो या किसी की चुगली करनी हो तो कहानी कहनी होती है। गर्लफ्रेंड को पटाना हो, रूठी बीवी को बनाना हो, मनाना हो, मॉम डैड से कोई काम निकलवाना हो या सरकारी दफ्तर, कहानियाँ हर कोई हर रोज़ गढ़ता है। अब कहानी आपकी सिंपल भी हो सकती है, पर उसका एग्जीक्यूशन, अंदाजे बयां, ये डिसाइड करेगा कि वो कितना इफेक्टिव होगा। अट्टू पट्टू नजर बट्टू नारा 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 ना नार 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 स्वागतम। अब ये एक बेयर बोन स्ट्रक्चर है। कहानी क्या है? क्या कोई बॉयफ्रेंड अपने प्यार का इजहार कर रहा है या कोई हस्बैंड अपने न्यूली मैरिड वाइफ को अपने लाइफ में वेलकम कह रहा है, या हॉस्पिटल है, एक फादर अपने न्यूली बॉर्न बेबी को गोद में लेता है, पहली बार उसका चेहरा देखता है, वो बहुत इमोशनल हो जाता है, मेमोरी लेन, यादों में आग सी लग जाती है। जैसी भी आपकी कहानी हो, वैसे ही लिरिक्स राइटर लिखेगा, वैसे ही इमोशंस से आपका सिंगर गाएगा, वैसे ही इमोशंस आपके म्यूजिकल अरेंजमेंट में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से बहेगा। नर नारा नर नारा स्वागतम, नर नारा नर नारा स्वागतम। ठीक है, तो सुबह आप उठते हो, आपको कोई जबरदस्त ख्याल आता है, कोई धुन सी आती है, आप कहीं टहल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अचानक दिमाग की घंटी बजती है, इमोशंस से दिल गदगद हो जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे छाती फट जाएगा। अब इस ख्याल को आप अपने अंदर नहीं रख सकते हो, इसे जाहिर करना बहुत जरूरी है, चाहे लिख के हो, चाहे गा के हो, चाहे उसका कुछ म्यूजिकल रिप्रेजेंटेशन, या सब कुछ, ये बात मुझे कहनी होगी, नहीं तो मैं फट जाऊंगा। जुम 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 चा, जुम 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 चा चा। अब रिदम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट आप चूज करोगे, कितना खाली रखोगे, कितना भरोगे, ऑर्केस्ट्रल साउंड, इंडियन एथनिक इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक बीट्स, क्या यूज करोगे, या सब कुछ थोड़ा थोड़ा, हबड़ दबड़ चाहिए या शांति चाहिए, पावर चाहिए, पंच चाहिए, ग्रैंडनेस। अब आप कहानीकार हैं, आपकी अपनी कहानी होगी, आपका अपना अंदाज़े बयां होगा, और उसे कहेगा कौन, कहने की जिम्मेदारी किसकी है, आपकी। तो मेरा नाम है अरिजीत साह और मैं एक मिशन पे हूँ, एक गोल है, बेटर म्यूजिशियन एवरीडे। और मैं क्या करता हूँ फिलहाल, तो मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त, पर ना ना ना, अभी चले मत जाना, क्योंकि अभी आपकी, मेरी, हमारी कहानी बस शुरू ही हुई है। सग प्रीत लगाए प्यार का मारा मैं एक बेचारा घूमू तुझको मन में बसाए ये रुसवाई जीने ना देखी